ओके हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मत है और आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो ये बताओ, आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल, आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा? एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है, किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा। हेलो बेटा, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? तो आज की क्लास है आपकी नोबल प्राइज़ के ऊपर क्विज। कल की क्लास में हम नोबल प्राइज़ से रिलेटेड हमने थ्योरी डिस्कस करी थी, आज की क्लास में हम नोबल प्राइज़ से रिलेटेड क्विज डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब ए टू जेड मैंने जितने भी क्वेश्चन नोबल प्राइज से रिलेटेड देखे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ पर आंसर करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो जल्दी से सबसे पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, उसके बाद हम उसका क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो सागर, हेलो नवीन, हेलो मोनू, हेलो प्रभात मेहता, हेलो बेटा, कैसे हो भाई आप सब? क्या हाल चाल, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? कोई इशू तो नहीं हो रहा आवाज में? यस, एमसीक्यूज होने वाला है आज, नोबेल प्राइज का एमसीक्यूज होने वाला है, ठीक है? अच्छा, जब तक के स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जब तक के मैं आप सबको अपने अपकमिंग बैच के बारे में एक बार डिटेल बता दूं। रिसेंटली ये नया बैच आज से मेरा अनअकैडमी प्लस में स्टार्ट हुआ है, जो कि है प्रैक्टिस सेशन इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज के थ्रू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में मैं इकोनॉमिक्स के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगी। September 20 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी आज हो चुका है। टाइमिंग है इसकी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। तो इन केस आप में से जितने अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, आप सारे के सारे इस बैच पे एनरोल करके मुझसे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? स्टार्ट किया जाए क्लास को। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हूज विल नोबेल प्राइज इज अवार्डेड। बताओ भाई, किसके विल में नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन शुरू किया है मैंने एकदम इजी और आसान क्वेश्चन से। नोबेल प्राइज किसके बिल में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल, नोबल हाउसेस ऑफ ब्रिटेन, नोबल कोरोना वायरस, या फिर आ नोबल बाय नोबल? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। ऑन हूज बिल नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, किसके बिल पे नोबेल प्राइज दिया जाता है? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करिए। ऑन हूज विल नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड, किसके विल में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। नवीन ने आंसर दिया ए, पुष्पा ने ए, शेखर ने आंसर दिया ए, एंड मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की विल में नोबेल प्राइज को दिया जाता है, ठीक है? कल मैंने थ्योरी का सेशन लिया था नोबेल प्राइज का, इनकेस यू हैव मिस्ड इट तो उसको जरूर से अटेंड कर ले, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट सेशन था तुम लोगों के लिए, ठीक है? ओके, हाँ जी, नोबल कोरोना वायरस इज अ फनी ऑप्शन, जानबूझ के लिखा है कि यार थोड़ा हंस लो, वैसे भी कहाँ हंसते हो तुम लोग, थोड़ा सा हंस लो अपनी जिंदगी में। आज के ऑप्शंस हैं थोड़े से फनी ऑप्शंस हैं, अगर दिमाग लगा के ऑप्शंस देखोगे ना तो वो भी तुमको फनी समझ में आएंगे, तो उसको पढ़ना जरूर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इन्वेंट? अल्फ्रेड नोबल ने आखिरकार इसमें से क्या चीज इन्वेंट करने का काम किया? न्यूक्लियर वेपन, RDX, डायनामाइट, या फिर TNT? अल्फ्रेड नोबल ने आखिरकार इसमें से क्या चीज इन्वेंट करने का काम किया बेटा? हाँ जी, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इन्वेंट? भाई अल्फ्रेड नोबल के विल पर नोबल प्राइज बांटा जाता है, जाहिर सी बात है कि भाई इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, ऐसे ही हर किसी के विल पर नोबल प्राइज नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ खास इन्होंने किया होगा। बताओ इन्होंने क्या खास किया, क्या खास किया अल्फ्रेड नोबल ने जिनकी विल पर नोबल प्राइज दिया जाता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, डायनामाइट। ही इन्वेंटेड व्हाट? ही इन्वेंटेड डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, और इनके मरने के बाद इनकी विल पर नोबल प्राइज देना शुरू किया गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हेन इज नोबल प्राइज अवॉर्डेड? चलो बताओ, नोबेल प्राइज आखिरकार कब अवार्ड किया जाता है? हर साल रिपब्लिक डे पर, एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। व्हेनेवर अ टारगेरियन इज बॉर्न, जब भी कोई टारगेरियन पैदा होता है, जब,
ठीक है, वैसे बी ऑप्शन इज फनी, समझने वाले समझ गए होंगे कि इसमें क्या फनी चीज है। ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर में, या फिर जब उनके पास इनफ नॉमिनेशन हो चुके होते हैं, व्हेन इज नोबल प्राइज अवॉर्डेड। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, कब नोबल प्राइज दिया जाता है। परफेक्ट, मैक्सिमम बच्चों यहाँ पर एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। व्हेन डिड नोबल प्राइज अवॉर्डेड, बेटा कब नोबल प्राइज दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज सॉरी सी, ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 10 दिसंबर पे नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, परफेक्ट, 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज नोबेल प्राइज स्टार्टेड, अगेन इज इजी क्वेश्चन, 1947, 1901, 1939 या फिर 1885, कब नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया था। हां जी बेटा आंसर देना स्टार्ट करो, कब नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया था। इट इज 1947, 1901, 1939 या फिर 1885। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। व्हेन वाज नोबेल प्राइज स्टार्टेड, नोबेल प्राइज आखिरकार इसमें से कब स्टार्ट किया गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे लिए 1901। नोबेल प्राइज कब देना शुरू किया गया बेटा, 1901 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1901 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज, सबसे पहला नोबेल प्राइज आखिरकार किसे दिया गया। नहीं बेटा, नॉट मैडम क्यूरी, चार्ल्स शीन, विलहम रोंगचन, अब्राहम लिंकन एंड सैंग सूकी, इन चारों में से हु वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज, सबसे पहला नोबेल प्राइज आखिरकार इसमें से किसे दिया गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, आंसर देना स्टार्ट करिए। द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इज गिवन टू, सबसे पहला नोबेल प्राइज आखिरकार इसमें से किसे दिया गया था। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसे दिया गया था, तो द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू विलहम रोंगचन, रोंगचन को दिया गया था सबसे पहला नोबेल प्राइज। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिस्टो द नोबेल प्राइज, इसमें से कौन सा देश नोबेल प्राइज को देता है। इंग्लैंड एंड आयरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, नॉर्वे एंड स्वीडन, युगांडा एंड नॉर्थ कोरिया। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, कौन से कंट्रीज नोबेल प्राइज को देने के लिए होती हैं। विच कंट्री बिस्टो द नोबेल प्राइज, बेटा कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज को देती है। हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए, विच कंट्री बेस्टो द नोबेल प्राइज, कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज देती है। हाँ जी बेटा, ओके, अभी तक बच्चे ने आंसर नहीं दिया बेटा। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉर्वे एंड स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन के इंस्टीट्यूट वहां के राजा बेस्टो करते हैं हर साल 10 दिसंबर में नोबेल प्राइज। ठीक है, डन, बिल्कुल सही कहा बच्चे, बिल्कुल सही कहा। नॉर्वे फॉर पीस, बिल्कुल सही कहा, नॉर्वे में पीस का नोबेल प्राइज मिलता है और बाकी के सारी फील्ड का नोबेल प्राइज मिलता है स्वीडन में। परफेक्ट, एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज, इसमें से कौन सा नोबेल प्राइज उस कैटेगरी में नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज, इसमें से किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पीस या फिर केमिस्ट्री, इनमें से किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज, इसमें से कौन सा नोबेल प्राइज का कैटेगरी नहीं है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, Which of the following is not a category of Nobel Prize? भाई फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में मिलता है, पीस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, केमिस्ट्री की फील्ड में मिलता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की फील्ड में कंपैरिजन सेम जैसे नोबेल प्राइज होता है उसी लेवल का मिलता है एबल प्राइज, तो यहाँ पर एबल प्राइज मिलता है, यहाँ पर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट,
Which of the following is not a category of Nobel Prize against the same question? पीछे देखो, ये question था, इसमें से कौन सा Nobel Prize का category नहीं है? तो अब देखो कौन कौन सा category हो गया, Physiology and Medicine, Peace हो गया, Chemistry हो गया, तीन field हो गई, ठीक है? अब मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं मिलता, क्वेश्चन इज सेम, ऑप्शन चेंज हो गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस या फिर जेनोसाइड. चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए. ओके, तीन के पास चौथा, फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, सीवी रमन ने जीता था. लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर जीत चुके हैं. इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, अभी रिसेंटली एस्टर डुफ्लो, अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक साइंस की फील्ड के विनर रहे हैं. जेनोसाइड यानी मास किलिंग, इस फील्ड में कौन देता है यार नोबेल प्राइज, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी. तो देर आर सिक्स फील्ड जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है, थ्री आर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, पीस, केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज फिजिक्स, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंस. दीज आर द सिक्स फील्ड्स जिस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है. जेनोसाइड इज नॉट अ कैटेगरी, मैथमेटिक्स इज नॉट अ कैटेगरी, इन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता. ये तो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है? मैथमेटिक तो फिर भी मैं सोच सकती हूँ, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है, ठीक है? डन. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके. आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना, जितना आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता, आर्यभट्ट, मेंडेलीव, एंटोनियस या फिर वैंटहॉफ. द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता, आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे. हु विन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता, तो मेंडेलीव. ज्यादातर बच्चे मेंडेलीव का नाम ले रहे हैं, व्हाई? नो, इट इज नॉट आर्यभट्ट, इट इज नॉट मेंडेलीव, इट इज नॉट एरहेनियस, इट इज वैंटहॉफ. ठीक है, सबसे पहला केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे दिया गया, वैंटहॉफ को दिया गया. डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. बहुत कम बच्चे, आकिब खान ने सही आंसर दिया है डी, बाकी आई थिंक मैं देख नहीं पा रही हूँ. क्रिनार्थ ने सही आंसर दिया है डी, आकिब खान ने सही आंसर दिया, शिल्पा वर्मा ने सही आंसर दिया है डी, ठीक है? बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिया. वैंटहॉफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. He was the first person जिन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए देखिए, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता, सली फुट्रोम ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, शेक्सपियर ने या फिर कालिदास ने. हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता, सली फुट्रोम ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, शेक्सपियर ने या फिर कालिदास ने. हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए. ओके, अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं दिया है. अरे विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे कह रहे हो, कैसे शेक्सपियर कह रहे हो, कैसे कालिदास कह रहे हो? इसका करेक्ट आंसर है सेली फुट्रोम. सेली फुट्रोम वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. केमिस्ट्री की फील्ड में वैंटहॉफ को मिला, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर सेली फुट्रोम को पहला नोबेल प्राइज दिया गया. ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप सबके. हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ भाई, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप सबके. हाँ जी बच्चे आंसर दो. गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए देखिए, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द पीस.
पीस की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता? एडवर्ड लॉन्गशैंग, जॉन ऑफ आर्क, हेनरी टुनेंट या फिर कार्ल मार्क्स? इन चारों में से हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ पीस? पीस की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर इसमें से किसने जीता? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस? पीस की फील्ड में बेटा सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसने जीता? एडवर्ड लॉन्गशैंग, जॉन ऑफ आर्क, हेनरी डुनेंट या फिर कार्ल मार्क्स? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हेनरी डुनेंट। ठीक है, रेड क्रॉस कमिटी के फाउंडर भी हैं हेनरी डुनेंट। ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और ये फर्स्ट विनर है पीस के फील्ड के नोबेल प्राइज के। ठीक है, हेनरी डुनेंट इज द करेक्ट आंसर, नॉट कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसको मिला? डब्ल्यू सी रॉन्गशैंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्फ्रेड नोबेल या फिर न्यूटन? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? बेटा फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसको दिया गया? इट इज डब्ल्यू सी रॉन्गशैंग, इट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, इट इज एल्फ्रेड नोबेल या फिर न्यूटन? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। ओके अब जितने बच्चे ये ना एल्फ्रेड नोबल आंसर दे रहे हैं, सी मतलब मैं तुमको बता रही हूं इनके विल पर नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये क्या कब्र से उठकर हर साल 10 दिसंबर को आए होंगे क्या अपने इस नोबल प्राइज को लेने के लिए? एल्फ्रेड नोबल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये मरने के बाद इनके विल के अकॉर्डिंग हम नोबल प्राइज को बांटना शुरू किया। ठीक है, तो एल्फ्रेड नोबल खुद कैसे अपने आप को नोबल प्राइज दे सकते हैं? इसीलिए फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबल प्राइज इसमें से किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ए डब्ल्यू सी रॉन्गशैंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉन्गशैंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी के लिए रॉन्गशैंग को सबसे पहला नोबल प्राइज दिया गया। ठीक है, डन। ओके ये ओवरऑल सबसे पहले नोबेल प्राइज के भी विनर रहे हैं और फिजिक्स की फील्ड में भी सबसे पहले नोबेल प्राइज के विनर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड पर सबसे पहले नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे हैं? एडवर्ड जेनर, हिप्पोक्रेट, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड या फिर वॉन बेहरिंग? चलो आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। Who won the first Nobel Prize in the field of physiology and medicine? फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज के विनर इसमें से कौन रहे? एडवर्ड जेनर, हिप्पोक्रेट, आर्क फ्रांस या आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, वॉन बेहरिंग? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में पहला नोबेल प्राइज का विनर आखिरकार इसमें से कौन रहे? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वॉन बेहरिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, वॉन बेहरिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डन डन बेटा, वॉन बेहरिंग इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, When was Nobel Memorial Prize in Economic Science added? देखो Economic Science की फील्ड में Nobel Prize Memorial Prize को add किया गया था 1968 में, year 1968 था, लेकिन आपको बताना है occasion क्या था? 300th anniversary थी Sir Risk Bank की, independence हुआ था नाउरू का ऑस्ट्रेलिया से, या फिर वियतनाम वॉर एंड हुई थी, एंडल बैटल ऑफ साइकोन इन वियतनाम, या फिर मार्टिन लूथर किंग के असैसिनेशन के ओकेजन पर? इसमें से क्या ओकेजन था? हालांकि चारों चीज 1968 में हुई थी, ठीक है, हालांकि चारों चीज 1968 में ही हुई थी, लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा ओकेजन था जिसमें नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में एड किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1968 में हुआ था, 1969 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, बट द फील्ड वॉज एडेड इन ईयर 1968, ठीक है।
तो ओकेजन क्या था? ओकेजन था भाई 300th एनिवर्सरी थी सर्विच रिस्क बैंक की। देखो सर्विच रिस्क बैंक वही बैंक है जो कि अब नोबेल प्राइज के पैसा देता है, क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज का उनका जो भी पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसके बाद नोबेल प्राइज को स्पॉन्सर करने का काम यही बैंक करता है, ठीक है। और इसीलिए जब इसकी 300th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी तो इस ओकेजन में इकोनॉमिक साइंस की फील्ड नोबेल प्राइज में एड करी गई थी, और इसको हमने कहा नोबेल मेमोरियल प्राइज। इसे हमने क्या कहा? नोबेल मेमोरियल प्राइस, ठीक है। तो इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में सिर्फ नोबेल प्राइस नहीं मिलता, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नोबेल मेमोरियल प्राइस दिया जाता है, ठीक है। डन बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस इज 1969। बोला ना 1969 में सबसे पहला नोबेल प्राइज बेटा देना शुरू किया गया, जो मैंने आपको बताया सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया 1969 में। अब 1969 में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला था? हेरोल्ड एंड कुमार को, डॉक्टर वॉटसन एंड शेरलॉक होम्स को, रैग्नर फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन को, या फिर सांसा स्टार्क और आर्या स्टार्क को। इन चारों में से 1969 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में किसे दिया गया? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। क्या बात कर रहे हो भाई, ये आपका काम है कि आप इस वीडियो को कितना लाइक और शेयर करोगे। जितना लाइक और शेयर इस वीडियो को करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है। ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस इन 1969 इज जैन टिनबर्गन एंड रैग्नर फ्रिश। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इट इज रैग्नर फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन। डन बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? चलो देखो ध्यान से, हाउ मच प्राइज मनी इज गिवन टू नोबेल प्राइज विनर? नोबेल प्राइज विनर को कितना प्राइज मनी दिया जाता है? 9 बिलियन स्वीडिश क्रोना, 5 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 1 मिलियन स्वीडिश क्रोना, या फिर 1000 स्वीडिश क्रोना। इन चारों में से कितना प्राइज मनी इज गिवन टू नोबेल प्राइज विनर? कल मैंने आपको समझाया था एक कैटेगरी में इतना प्राइज मनी होता है। कल मैंने आपको ये बताया था ना कि देयर आर कैटेगरीज, एक कैटेगरीज में इतना प्राइज मनी होता है, यानी उस कैटेगरी में जितने विनर होंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 विनर है तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, सिंगल कैटेगरी के लिए होता है। अब कैटेगरी में अगर एक विनर है तो जाहिर सी बात है पूरा पैसा उनको मिलेगा। कितना प्राइज मनी दिया जाता है नोबेल प्राइज में? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी, कितना प्राइस मनी दिया जाता है नोबेल प्राइस में? तो लगभग 9 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो कि अप्रोक्सीमेटली अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5 करोड़। वो आगे पीछे होता रहता है क्योंकि रुपी की वैल्यू करेंसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती रहती है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है। तो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोना ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। डन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सबसे पहले भारतीय कौन रहे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मंगल पांडे, या फिर कविता सती? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सबसे पहले इंडियन कौन रहे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? बच्चे आंसर देना स्टार्ट करिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सबसे पहले भारतीय कौन रहे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या है हमारे लिए? किस फील्ड में जीता ये भी बताओ और किस ईयर में जीता ये भी बताओ, मुझे सब जानना है। किस फील्ड में जीता ये भी बताओ और किस ईयर में जीता ये भी बताओ, मुझे सब जानना है। हाँ जी बच्चे। ओके तो अगर हम इस बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ऑफ कोर्स ही इनको मिला था लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज। इन्हें किस फील्ड में मिला था बेटा नोबेल प्राइज? लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, और 1913 में 1913 में ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन वन फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसको दिया गया, सी वी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर एस रामानुजन, इन चारों में से हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसे दिया गया, सी वी रमन है, विक्रम साराभाई है, एपीजे अब्दुल कलाम है या फिर एस रामानुजन है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे, इंडियन, इंडियन लिखा हुआ है, रोंगचंद तो ओवरऑल है, विच इंडियन वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यार क्या बात कर रहे हो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी वी रमन, सी वी रमन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी वी रमन को 1930 में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। परफेक्ट बच्चे, ठीक है, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, नाइस। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ जी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वन फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस, पीस के फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसमें से किसे मिला, एग्नेस गोंशा बॉक्सियू, मैडम ब्लावस्की, सिस्टर निवेदिता या फिर दुर्गा भाभी। पीस के फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज का विनर आखिरकार इसमें से किसको मिला, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस। हां जी, और इंडियन की बात हो रही है, पहले भारतीय, इंडियन की बात हो रही है बेटा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस, तो पीस की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज एग्नेस गोंशा बॉक्सियू को मिला, मदर टेरेसा, आप इनको नॉर्मल जो इनके नेम पॉपुलर नेम से जानते हैं वो है मदर टेरेसा, और 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किस ईयर में किया गया था, 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हम, हाँ जी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, कौन से भारतीय ने पहला नोबेल प्राइज जीता इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे, एम एस स्वामीनाथन, एम के गांधी, अमृता सेन या फिर ची गुवेरा, ठीक है, ये डी ऑप्शन यहां पर तुमको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, वैसे आंसर इन सी में ही है। चलो बताओ, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में सबसे पहला नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे, विच इंडियन वाज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में सबसे पहले विनर आखिरकार कौन रहे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी, अमृता सेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1998, किस ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर 1998, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु was the most recent Indian to win Nobel Prize, सबसे recent Indian कौन रहे हैं जिन्होंने Nobel Prize जीता, मलाला यूसुफजई, सलमान खान, सुंदर पिचई या फिर कैलाश सत्यार्थी। Who was the most recent Indian to win Nobel Prize, सबसे recent Indian कौन रहे हैं जिन्होंने Nobel Prize जीता, it is मलाला यूसुफजई, it is सलमान खान, it is सुंदर पिचई या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, आंसर देना स्टार्ट करिए, ऑफ कोर्स ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई, बिल्कुल सही कहा आपने, मलाला यूसुफजई एंड कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को 2014 में पीस की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, डन। परफेक्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच इंडियन या विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
वन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कौन से फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? चरक, सुश्रुत ऋषि, हरगोबिंद खुराना या फिर बाबा रामदेव? चलो आंसर देना स्टार्ट करो बच्चे। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बता सकते हो। इंडियन ओरिजिन के वो कौन से व्यक्ति थे जो कि नोबेल प्राइज के विनर रहे हैं मेडिसिन की फील्ड में? चरक, सुश्रुत ऋषि, हरगोबिंद खुराना या फिर बाबा रामदेव? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अब बाबा रामदेव का नाम मत ले लेना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स हरगोबिंद खुराना। इंडियन ओरिजिन के जरूर रहे थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग नोबेल प्राइज ये यूएसए के सिटीजन थे इंडियन ओरिजिन के, लेकिन यूएसए के सिटीजन थे जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, बिकॉज इंडिया डुअल सिटीजनशिप अभी भी ऑफर नहीं करता है। तो इंडियन ओरिजिन के रह गए, बट ही वॉज द सिटीजन ऑफ यूएसए एट दैट टाइम, ठीक है? Okay, next question is what? Which physicist of Indian origin won Nobel Prize after C.V. Raman? कौन Indian origin के physicist थे जिन्हें Nobel Prize मिला physics की field में C.V. Raman के बाद? जब H.J. Homi, जहांगीर भाभा, ठीक है? Next is S. चंद्रशेखर, next is Mother Teresa या फिर राजा रामन्ना? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करिए। विच फिजिसिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन वन नोबेल प्राइज आफ्टर सीवी रमन? सीवी रमन के बाद किसको नोबेल प्राइज मिला? हाँ जी बच्चे, ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज एस चंद्रशेखर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द नोबेल प्राइज ये किस कहां के सिटीजन थे? ये यूएसए के सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द नोबेल प्राइज, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? व्हिच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाले इसमें से कौन से पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के? अगेन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग नोबेल प्राइज ये कहीं और के सिटीजन रहे होंगे, पक्की बात है, बट इंडियन ओरिजिन के पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ जी बच्चे, ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज वी रामाकृष्णन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है? डन। व्हिच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? तो वी रामाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द नोबेल प्राइज वी रामाकृष्णन वॉज द सिटीजन ऑफ यूके। ये कहां के सिटीजन थे बेटा? यूके के सिटीजन थे, ठीक है? डन डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच इंडियन बोर्न मेडिकल डॉक्टर वन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो? एनोफिलिस मॉस्किटो की डिस्कवरी के लिए इसमें से कौन से इंडियन बोर्न मेडिकल डॉक्टर थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? चार ऑप्शन है आपके पास, सर रोनाल्ड रॉस, आइसेक न्यूटन, सर सैयद अहमद खान या फिर जेमी लैनिस्टर। नीचे लिखा है जेमी लैनिस्टर एंड इट वॉज अ फनी ऑप्शन, सब जानते हैं। हु वॉज द इंडियन बोर्न मेडिकल डॉक्टर जिनको एनिफिलस मॉस्किटो की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन हु विन द नोबेल प्राइज? बच्चे आंसर दो।
ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है, रोनाल्ड रॉस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनको मिला नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एनोफिलस मॉस्किटो की डिस्कवरी के लिए। परफेक्ट, डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हां जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हिच इंडियन बॉर्न पर्सन वन नोबेल प्राइज फॉर राइटिंग जंगल बुक। जंगल बुक लिखने के लिए कौन से इंडियन बॉर्न पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया। जंगल बुक लिखने के लिए कौन से इंडियन बॉर्न पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग, आर्थर कॉनन डोयल, जेन ऑस्टन या फिर वर्जीनिया वुल्फ। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो सारे के सारे स्टूडेंट। Who was the Indian born person who won the Nobel Prize for writing Jungle Book? हाँ जी just a second. Okay. तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, जंगल बुक लिखने के लिए किसे मिला, लिटरेचर की फील्ड में रुडयार्ड किपलिंग को मिला। ठीक है तो ऑफकोर्स जंगल बुक लिखी है तो लिटरेचर की फील्ड है। ठीक है तो लिटरेचर की फील्ड में किसे मिला, रुडयार्ड किपलिंग को मिला। ठीक है तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परफेक्ट बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए देखिए। व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क लिविंग इन इंडिया वन नोबेल प्राइज फॉर पीस। पीस के लिए कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि इंडिया में रह रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। चार ऑप्शन है, 14th दलाई लामा, 4th दलाई लामा, वियतनाम ललामा या फिर पेरुवियन ललामा। इन चारों में से कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क लिव कर रहे हैं इंडिया में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ पीस। पीस की फील्ड पे इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। हां जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जुड़ जाए। थैंक यू मोनू जी। चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 14th दलाई लामा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 14th दलाई लामा इज द करेक्ट आंसर। डन बच्चे। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, चलिए देखिए। व्हिच इंडियन बॉर्न वन नोबेल प्राइज फॉर राइटिंग अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। इसमें से कौन इंडियन बॉर्न थे जिनको नोबेल प्राइज मिला अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, यानी लिटरेचर की फील्ड में। ऑफकोर्स अब अगर ये है तो वो लिटरेचर की फील्ड है तो आखिरकार इसमें से कौन रहे। इट इज आर के नारायण, के आर नारायण, वी एस नायपॉल, अरुंधति रॉय। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। व्हिच इंडियन बॉर्न वन नोबेल प्राइज फॉर राइटिंग अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। हां जी अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास लिखने के लिए किसको दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वी एस नायपॉल। बेटा इनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर राइटिंग अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। ठीक है डन बच्चे। डन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। ओके नेक्स्ट, अच्छा इट इज नॉट अपडेटेड टिल नाउ तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब बताओ, ड्यूरिंग 1938 एंड 39, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, नई चीज आपको जानने को मिलेगी। 1938 और 39 में तीन लॉरिएट्स को मना कर दिया गया था उनकी कंट्री के द्वारा कि आप नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कौन सी नोबेल कंट्री से बिलोंग करते थे, वो इंडिया के थे, स्वीडन के थे, जर्मनी के थे या फिर नॉर्वे के थे। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। 1938 और 39 में बेटा तीन लॉरिएट्स को रोक दिया गया था कि आपको नोबेल प्राइज एक्सेप्ट नहीं करना है। वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, वो इंडिया के थे, स्वीडन के थे, जर्मनी के थे या फिर नॉर्वे के थे।
तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पीछे देखो हिटलर बने वेना जर्मनी, ये वर्ल्ड वॉर की बात है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है। उस समय जर्मनी के 3 लॉरिएट्स को सेलेक्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन उस समय इनको मना कर दिया गया था अपनी कंट्री के द्वारा कि आपको नोबेल प्राइज नहीं लेना है। ठीक है, डन। चलो तो बच्चे आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड, दैट इज Afreen111। Afreen111 कोड इस्तेमाल करोगे, सब्सक्रिप्शन फी पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, डन बच्चे। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, बाय बेटा।